हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे तेरे बिना फर्स्ट टैबलेट के बारे में। और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। जानेंगे कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है तेरे बिना फाइन 500 mg का, कि जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है और जो कि फंगल को जिसकी ग्रोथ होती है उसको रोकता है और फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। तो जानेंगे कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जिसको ये रोकता है। तो पहला जो है कि हमारे टोनेल, जो कि पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं, किस तरह से उसमें फंगल जो कि नाखून होते हैं उसमें बढ़ता है। और हेल्थी नेल्स आप देख सकते हैं किस तरह से साफ रहते हैं, सुथरे रहते हैं, पर यहाँ पे फंगल ग्रोथ हो जाती है नाखूनों में, तो वहाँ पे पीलापन सा आ जाता है और वो एक तरह से नाखूनों को ख़राब कर देता है। नाखून वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरह से, तो उसी को रोकता है। और हाथों की जो उंगलियाँ होती हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों की उंगलियों में जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ की जो इन्फेक्शन के कारण जो नाखून डिस्टर्ब और डैमेज होने लग जाते हैं और नाखून बढ़ भी नहीं पाता अच्छी तरह से। वो एक तरह से अजीब सा दिखेगा आपको कि आप उसे उसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आती है एक फंगल की, यहाँ पे काफ़ी बदबूदार स्मेल आती है आपको देखने में भी और सुनने में भी बहुत ही गंदा फील होता है। तो उसी को ये टेबलेट जो कि तेरे बिना फाइन जो कि कंपोजिशन है एंटी फंगल ड्रग का, तो वही ये काम करती है और वो फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से हटा देती है। और जो कि देख सकते हैं कि आप कि जब मार्च 2020 में ये फंगल इन्फेक्शन नाखून में किस तरह से बढ़ रहा था तेज़ी से, पर जब इसका टेबलेट का यूज़ होने पे वो पेशेंट के अंदर किस तरह से नवंबर तक कुछ ही महीनों में और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नाखून डैमेज जहाँ पे हो रहे थे वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और अच्छी तरह से दिख भी रहे हैं। और यहाँ पे और नाखून के चांसेस जहाँ पे पूरी तरह से बिगड़ रहे थे पर वहाँ पे अच्छी तरह से बन चुके हैं, क्योंकि अच्छी तरह से बनने के बाद जो कि दूसरे जो हमारे जो बालों के अंदर एक तरह से लेयर रहती है यहाँ पे स्काल्प जिसको बोलते हैं, यहाँ पे परत रहती है वहाँ पे भी एक तरह से इन्फेक्शन होता है, उसको भी ये एंटी फंगल ड्रग जो कि तेरे बिना फाइन कंट्रोल करती है एक तरह से पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं पोरोसाइसिस, जो कि हमारे बालों के नीचे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ये ड्रग रोकती है। और किस तरह से काम करती है वो भी जान लेते हैं कि तेरे बिना फाइन जो कि कंपोजिशन है वो किस तरह से काम करती है फंगल को रोकने के लिए। जहाँ पे एक फंगल को बढ़ने के लिए एक एर्गोस्ट्रॉल जो कि एक तरह एंजाइम रहता है उसको सिंथेसिस करने के बाद वो फंगल वहाँ पे बढ़ती है एक तरह से अपना ग्रोथ करती है, तो उसी को जो एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस जहाँ पे होती है वहाँ पे ये तेरे बिना फाइन ड्रग उसको जाके रोकती है। और इस तरह से जो कि सेल जो कि वहाँ पे फंगल सेल बढ़ता है एक तरह से, तो फंगल भी ग्रोथ बढ़ेगा तो इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, तो उसी को ये रोकने पर उसकी सेल को ग्रोथ रोकने पे तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन बंद हो जाता है, जहाँ पे फंगल सेल वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से फंगल जो है आगे नहीं बढ़ पाती है, इन्फेक्शन नहीं बढ़ पाता है, तो इस तरह से अपना एक काम करता है तेरे बिना फाइन ड्रग। और हम क्या क्या कर सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन ना हो हमारे नाखूनों के अंदर, आप उसको छोटा रखें, हम हमेशा बढ़ाना रखें और उसको साफ़ सुथरा रखें और जब भी नहाएं तो अच्छी तरह से धोएं और हाइजीन मेंटेन करें, इस तरह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे। और जो कि स्किन में इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए क्या करें, जिनको रेडिएशन सन के इन्फेक्ट ज़्यादा होते हैं, जहाँ से सन में काफ़ी रेडिएशन फील होता है कि स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह से स्किन के ऊपर काफ़ी डैमेज हो जाता है सन रेडिएशन के कारण, तो उसको भी बचे कि सन को इफेक्ट ज़्यादा स्किन में ना ज़्यादा देर तक ना रहे। तो और साथ ही साथ जानेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है आपको इससे टेबलेट खाने से ज़्यादातर, या फिर स्टमक पेन हो सकता है, या पेट में दर्द हो सकता है, या फिर सर दर्द हो सकता है, या फिर एक तरह से नोसिया हो सकता है जहाँ पर उल्टी हो जैसा फील होता है, या फिर आपको गैस थोड़ी सी बन सकती है, ये सब साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं इस टेबलेट में। और अगर आपको ये मेडिसिन की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में बनेंगे अगली एक नई मेडिसिन के साथ, तो थैंक यू वेरी मच।